आधी रात को मंदिर में प्रवेश करती गौ माता का ये अद्भुत नजारा भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का है, जहां कृष्ण भक्ति में लीन भक्त द्वारकाधीश में दर्शन को दूर दूर से पहुंचते हैं। लेकिन बुधवार की आधी रात को जब द्वारकाधीश मंदिर के द्वार 25 गायों के लिए खुले तो इसका नजारा वाकई अद्भुत था, क्योंकि मंदिर का द्वार 450 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कच्छ से द्वारका पहुंची इन गायों के लिए खास तौर पर खोला गया। भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के इतिहास में शायद ये पहला मौका है जब द्वारकाधीश मंदिर के दरवाजे आधी रात को खोले गए। जी हाँ, बुधवार की रात यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। मंदिर के पट किसी वीआईपी के लिए नहीं बल्कि 25 गायों के लिए खोले गए। ये गायें अपने मालिक के साथ 450 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कच्छ से द्वारका पहुंची थी। वहीं गायों ने गर्भगृह तक प्रवेश कर पहले श्री कृष्ण के दर्शन किए, फिर द्वारकाधीश मंदिर की परिक्रमा की। इसके बाद गायों को प्रसाद खिलाया गया। दरअसल ये 25 गायें कच्छ निवासी महादेव देसाई की गौशाला की हैं। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले उनकी गौशाला की सभी गायें लंपी वायरस का शिकार हो गई थी। उस वक्त उन्होंने मन्नत मांगी थी कि गायों के इस वायरस से ठीक होते ही इन गायों के साथ में श्री कृष्ण के दरबार में उनके दर्शन को जाऊंगा। महादेव बताते हैं, भगवान द्वारकाधीश पर सब कुछ छोड़कर मैं गायों के इलाज में लग गया। कुछ दिन बाद ही गायें ठीक होने लगी। करीब 20 दिन बाद सभी 25 गायें पूरी तरह स्वस्थ हो गई। इतना ही नहीं, गौशाला की दूसरी गायों में भी लंपी वायरस का संक्रमण नहीं फैला। इनके पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद मैं इन्हें लेकर पैदल ही कच्छ से द्वारका के लिए रवाना हो गया। महादेव देसाई बताते हैं कि मंदिर में दूर दराज से लोग दर्शन को पहुंचते हैं। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में रहती है। ऐसे में गायों के दिन में दर्शन करने पर श्रद्धालुओं को असुविधा होती, जिसके चलते सोचा कि गायों को देर रात मंदिर में दर्शन कराना ही उचित रहेगा। मंदिर प्रशासन से बातचीत कर पहले से ही बुधवार रात का वक्त तय किया। उसके बाद गायों को कच्छ से द्वारका तक ले गया और दर्शन कराया। द्वारकाधीश धाम भारत में स्थित तीर्थ के 4 प्रमुख धामों बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी के बाद 4वां प्रमुख धाम द्वारकाधीश है और हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हिंदुओं द्वारा ये माना जाता है कि ये नगर भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। ये भारत के गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है। ये शहर गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है, जो भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। द्वारका नगरी भारत के साथ प्राचीन पौराणिक स्थलों में से एक है, जिसके साथ हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु और कृष्ण की कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर भगवान कृष्ण की सत्ता के अलावा भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम के राक्षस का वध किया था। कई हिंदू पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर नागेश्वर महादेव नाम का शिवलिंग स्थित है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।